तो हेलो दोस्तों, आप लोग जानते हो हम हर रोज़ MIUI 12 से रिलेटेड एक न्यूज़ लेके आते हैं और इस न्यूज़ में आप सभी को दिन भर में जो भी इन्फॉर्मेशन आता है MIUI 12 से रिलेटेड, चाहे चाइना में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे ग्लोबल हो, चाहे बीटा अपडेट हो, चाहे स्टेबल टेस्टर हो, चाहे स्टेबल नॉर्मल यूजर हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो हम एक ही वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो उसी प्रकार आज 4 जुलाई है, तो आज देखते हैं Xiaomi की तरफ से हमें वह 12 का जो अपडेट है वो कौन कौन सी डिवाइस को देखने को मिला है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप सभी को इसी तरह से रिलेटेड हमेशा वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि MIUI 12 का जो अपडेट है वो किसी भी डिवाइस में देखने को मिला है या नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज 4 जुलाई है और आज Xiaomi की तरफ से MIUI 12 का जो अपडेट है वो ना चाइना में, ना इंडिया में, ना ग्लोबल में, कोई भी वेरियंट में कहीं भी रोल आउट नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना है, क्योंकि आप सबको पता है इससे पहले जो फर्स्ट बैच की जो डिवाइस है ऑलमोस्ट सभी डिवाइस को अपडेट देखने को मिल चुका था और Xiaomi की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि आने वाला समय में Redmi Note 7, Note 7S, Note 7 Pro और Redmi Note 8 Pro, इन सभी डिवाइस को सबसे पहले MIUI 12 का अपडेट देखने को मिलेगा। अब आइए ये जान लेते हैं कि MIUI 12 का जो स्टेबल टेस्टर और ग्लोबल स्टेबल टेस्टर, इन दोनों टेस्टर में किसी को अपडेट देखने को मिला है या नहीं। तो दोस्तों, इन दोनों टेस्टर में किसी भी टेस्टर को कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है Xiaomi की तरफ से, ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि 4 जुलाई के दौरान कोई भी डिवाइस को कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है। पर एक इन्फॉर्मेशन आया है जो हमने आपसे बताया कि आने वाला समय में 4 ऐसे डिवाइस है जिनको सबसे पहले अपडेट देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप पहले से ही अलर्ट हो जाओ, जैसे ही अपडेट आप सभी को देखने को मिले उस दौरान में आप लोग अपडेट को इंस्टॉल कर लेना, नहीं तो अगर रोल बैक हो जाता है तो आप सभी को 15 से 20 दिनों का वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे देश का अभी हालत बहुत ही ख़राब है और चाइना और इंडिया का तो बायकॉट आप देख ही रहे हो, तो इसका अलग ही मसला है, इसमें कुछ अलग ही लोचा है, तो इस पर आप लोग ना ही पड़े तो बेहतर है। पर हाँ, इस लफड़े से हो सकता है अपडेट में भी डिले हो, कोई ठीक नहीं, चाइना वाले हैं तो हो सकता है इंडिया में अपडेट को थोड़ा लेट से प्रोवाइड करे या फिर प्रोवाइड नहीं करे, ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है। तो अगर इस तरह से कोई भी सिचुएशन आएगा, चाहे इस तरह से रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगा, तो आपको हमारे चैनल पर जरूर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आप लोग ये जान लो कि आने वाला समय में Redmi Note 7, Note 7S, Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, इन चारों डिवाइस को सबसे पहले अपडेट देखने को मिलेगा सेकंड बैच के डिवाइस को। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आया है। तो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।